सो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैरागढ़ से थोड़ा सा पीछे। तो अभी मैं बैरागढ़ से थोड़ा सा पीछे हूँ और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग काफ़ी सही रहने वाला है बिकॉज मैं आज निकलने वाला हूँ साच पास के लिए। बट अभी हमारा कोई ऐसा डिसाइड नहीं है कि हम साच पास ही रुकेंगे। सॉरी, रुकना नहीं है, वहाँ से वापस आना है या फिर आगे पांगी के लिए चले जाना है। और सुबह सुबह ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है और आज का जो रोड होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देख पाओगे कि एक दो वाटर क्रॉसिंग है, उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग मतलब रोड है यहाँ से। बट हाँ, सही है, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है तो चल रहा है काम, रोड सही भी हो रहे हैं। और बैरागढ़ यहाँ से आपने अभी देखा होगा 11 किलोमीटर है, तो लगभग 80% रोड आप मान के चल लो कि ख़राब ही है यहाँ का। तो चलिए, अभी मैं चलता हूँ, निकलता हूँ आगे। अभी अभी सुबह के बज चुके हैं 11। तो सारे जो मतलब बाइकर्स और कार्स वाले थे वो तो निकल चुके हैं साच पास की ओर, क्योंकि दिन के टाइम जो बर्फ़ पिघलती है उससे पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो थोड़ी बहुत वाटर क्रॉसिंग है वो काफ़ी रिस्की हो जाती है क्रॉस करना। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, और अभी मैं शूट करूँगा कोई अच्छी सी लोकेशन पे जाके, और काफ़ी मतलब इस वीडियो को कम करने की कोशिश भी करूँगा ताकि छोटी वीडियो बने, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलता हूँ किसी अच्छी सी लोकेशन पर। सो जस्ट अभी मैंने क्रॉस किया है बैरागढ़, और यहाँ से जो साच पास की दूरी है वो है 33 किलोमीटर, और किलाड़ जो पांगी में पड़ता है उसकी दूरी है 75 किलोमीटर। बट अभी देखते हैं, डिसाइड नहीं है हमारा ऐसा कुछ कि किलाड़ जाना है या साच पास से वापस आना है। बट सामने आप देख सकते हैं कितना सही व्यू है, और मतलब सही वेदर है आज का। तो पहाड़ों में मतलब ऊपर देख सकते हैं कैसे बादल छाए हुए हैं और कितना सही है स्काई लग रहा है। और लेफ्ट साइड में आप जो पहाड़ देख रहे हैं उस पर आप देख सकते हैं पीला पीला जो है, ये गेहूं है। एक्चुअली यहाँ ठंड काफ़ी होती है तो इस कारण अभी तक गेहूं पकी नहीं है और अभी तक काटी भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे, और इससे आगे एक चेक पोस्ट है तो वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। तो अभी उसके बाद ही मिलता हूँ मैं, तब तक आप इंजॉय करिए हल्के से ये थोड़ा आगे तक का व्यू, उसके बाद उस चेक पोस्ट से आगे का व्यू देखिए आप। सो गाइस, काफ़ी देर से मैं जो चेक पोस्ट है उसको कर चुका हूँ बाय बाय, और अभी मैं पहुँच चुका हूँ काला वन। आप देख सकते हैं कि चारों ओर कितने घने जंगल हैं। तो अभी यहाँ से आई थिंक इसके बाद आए काला वन के बाद आएगी सतरुंडी, जहाँ पे एक ढाबा भी है हल्का सा, और उसके बाद मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सही दिन है आज का, और चारों तरफ आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। और इस साइड मतलब काला वन की तरफ को ना अभी रोड अच्छा बना हुआ है, अभी न्यू लुक वगैरह पड़ चुकी है, तो काफ़ी सही रोड हो चुका है यहाँ का। तो चलिए अब चलते हैं सीधा आगे। सो गाइस, अभी मैं क्रॉस कर ही रहा था काला वन, बट एक लोकेशन ऐसी दिख गई कि मतलब यहाँ पे रुकना ही पड़ा। आप सामने का व्यू देख सकते हैं कितना सही है, कितने सही माउंटेन्स लग रहे हैं, और ऊपर ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, और ये जो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं कितने सही लग रहे हैं आपको। शायद आप जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो आप इतना सही ना कर रहा हो। बाय द वे, अभी हमें जाना है वहाँ वहाँ कहीं है साच पास। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी सामने आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्लेशियर है, और इसी के सामने थोड़ा सा आगे चलने पे आप देख पाओगे कि काफ़ी बड़ा जो झरना है वाटरफॉल वो ऊपर से गिर रहा है। ये एक्चुअली सारा पानी है जो वो बर्फ़ का आता है ऊपर से, क्योंकि धूप की वजह से पहाड़ों में बर्फ़ मेल्ट होती है और नीचे फिर काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है। सामने भी आप काफ़ी नाले देख रहे होंगे, कितना साफ और कितना मतलब दूध की तरह वाइट जैसे रंग का पानी लगता है ये बिल्कुल। बट काफ़ी ठंडा होता है बिकॉज स्नो
वाटर होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और रोड कंडीशन आप देख सकते हो खुद सामने की कैसी है यहाँ पे। बाय द वे यहाँ पे तो जैसे सही लग रही होगी बट चलाने में काफ़ी दिक्कत रहती है, बिल्कुल ऐसे गंदा सा रोड है। बट हाँ गंदा सा रोड है लेकिन मैनेजेबल है। और इसी के साथ साथ जो व्यू है वो आपको रोड की तरफ अट्रैक्ट करते ही नहीं है, व्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं बंदे को। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं ग्लेशियर की ओर ऊपर सीधा साच पास। सो फ्रेंड्स अभी मैं रुका हुआ था थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो सोचा आपको थोड़ा व्यू वगैरह दिखा दूं। कितनी सही वैली लग रही है सामने को, बिल्कुल जंगली जंगल और साथ में बिल्कुल ग्रीन वैली है और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ, क्या सही लग रही है। और इसके ऊपर बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का स्काई और साथ में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और वो सामने रही मेरी बीस्ट। सो फाइनली फ्रेंड चलते चलते मैं आ चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा करीब। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और इसी के साथ साथ सामने भी कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है अब तो। और यहाँ पे ना हल्का हल्का शायद रात को या एक दो दिन पहले न्यू स्नोफॉल भी हुआ है, आप देख सकते होंगे शायद थोड़ा सा वाइट और ऊपर पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल न्यू स्नोफॉल है अभी। और एकदम हेयर टाइप पेन बैंड है यहाँ पे और काफ़ी सही है। अब दोनों तरफ दीवारें होगी बर्फ़ की और सामने आप नीचे की तरफ राइट साइड देख सकते हैं कितनी बड़ी वैली है ये। और इसी के साथ साथ मैं आपको सबसे मेन बात बता दूं, मेरे साथ जो ये मेरी फ्रेंड बैठी हुई है पीछे उसका सर है चकरा रहा काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों को देख के, बिकॉज़ वो है एक प्लेन टाइप इलाके से और पहाड़ों में को देख के उसका सर चकरा रहा है। और हो सकता है उसको जैसे हाइट पे जाने से हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है वो हुई हो, आई होप सो वो हो, या शायद वो डर रही हो थोड़ा रोड को देख के और नीचे खाई को देख के। बट सही है, हमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि हम तो पहाड़ में ही रहते हैं तो हमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप व्यू देख सकते हैं कितना सही है और हल्की हल्की अब बर्फ़ की वजह से जो पानी इकट्ठा हुआ रोड पे वो वाटर क्रॉसिंग भी आ रही हैं। और आगे आप देख पाओगे कि एक बड़ी सी वाटर क्रॉसिंग मैं क्रॉस करूँगा और काफ़ी मतलब स्मूथली तरीके से निकल जाती है मेरी बीस्ट। और राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी बर्फ़ की दीवार है, ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी तक 7-8 फीट बर्फ़ है नीचे नीचे और ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा होगी। ये 7-8 फीट से ज़्यादा ही लग रही है मुझे, 10 फीट के करीब बर्फ़ है अभी तक एकदम, मतलब ये ग्लेशियर टाइप है जो इस पे पड़ती रहती है, घुलती है नहीं, ये काफ़ी कम घुलती है। तो चलिए चलते हैं आगे और सामने आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ काफ़ी बड़ी बर्फ़ की दीवार हो चुकी है अब। सो अभी अभी जस्ट आपने देखा कि मैंने एक बड़ी सी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी बट इसके बाद एक टर्न काटने के बाद ही मतलब एक और बड़ी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई, बट काफ़ी गहरी है बट ये भी काफ़ी आसानी से देख सकते हैं आप निकल गई। दैट्स वाई आई लव माई बीस्ट। और इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है बट इसकी मतलब पावर में हल्का सा भी ड्रॉप नहीं आया है, काफ़ी आसानी से चढ़ रही है। तो चलिए चलते हैं आगे और आप आगे की बर्फ़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है अभी तक। और
आई थिंक जब जब बारिश नीचे के इलाकों में जब जब बारिश होती है तो यहाँ पे जैसे स्नोफॉल हो जाता होगा। और आप सामने ये राइट साइड देख सकते हैं, न्यू स्नोफॉल हुआ है, ये बिल्कुल नया स्नोफॉल है, एक दो दिन पहले का ही है ये। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ साच पास के बारे में, तो समुंदर सर से जो साच पास की ऊंचाई है वो है 13,500 फीट और 45 मीटर समथिंग होगी, हाँ इतनी है। और इसके अलावा ऊपर आपको स्टे करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं, या तो आप वापस आ सकते हो बैरागढ़ साइड, और इसके अलावा आप किलाड़ के लिए निकल सकते हो। और किलाड़ के लिए आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, आप जम्मू की तरफ जा सकते हो वहाँ से, और इसके अलावा आप जा सकते हो अटल टनल और सिसु की तरफ और स्पीतिया, मतलब वही उसी की तरफ। तो ऊपर जो साच पास में टॉप में है जहाँ पे वो पास है, वहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ़ मिलेगी और एक काली माता का मंदिर मिलेगा, आप आगे देख पाओगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से अब सीधा पहुँचते हैं साच पास, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो को स्किप करो, क्योंकि आप वैसे भी काफ़ी कम देखते हो और आजकल जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आपका अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। तो प्लीज़ आपको लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है और कमियाँ बतानी है कि वीडियो में क्या क्या कमियाँ हैं, और इसके अलावा आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो अभी सीधा मिलते हैं आपको साच पास में। सो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं काफ़ी साच पास के करीब, और आप सामने का व्यू देख सकते हो कितना सही है, मतलब आप देख ही सकते हो कितना बड़ा ग्लेशियर, और सामने वो जो पहाड़ है वहीं पे साच पास है, और बादल देख सकते हो आप कितने करीब है, और सामने ये वैली और ऊपर ये पत्थर ही पत्थर, उनके ऊपर इतनी सारी बर्फ़, तो मतलब मज़ा इंटू 100 हो रहा है अभी तो। सो गाइज थोड़ा सा रहा है अब साच पास, और अब सीधा मिलता हूँ मैं आपको साच पास में, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो भी हो चुकी है तो आप लोग वैसे भी स्किप कर देते हो, तो आई होप सो इस बार आप वीडियो को पूरा देखें। और इसके साथ साथ अभी सीधा मैं मिलता हूँ आपको साच पास मंदिर के पास, और जहाँ से पांगी के लिए रोड निकलता है वहाँ पे, तो चलिए अब निकलता हूँ वहाँ पे। सो फाइनली गाइज वी आर रीच्ड एट साच पास, और मैं भी पहुंच चुका हूं भोले बाबा के पास, अभी आपने देखा होगा, और साथ में जो मंदिर है ये है काली माता का मंदिर, ये दोनों माता के मंदिर हैं। और सामने आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कितनी बड़ी पहाड़ी है, और इसी के साथ साथ आप ये जो इस साइड को वैली देख रहे हैं ये है पूरी पांगी वैली है, मतलब मज़ा इंटू 100 हो चुका है यहाँ पे आके। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी गाइज मैं आ चुका हूँ साच पास से वापस, तो मैंने सोचा अभी आपको हल्का सा व्यू दिखा दिया जाए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना, और इसी के साथ साथ कमेंट करना है वीडियो पे। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग पे।